आत्महत्या कर लेता है, कोई जल से मर जाता है, कोई कुएं में कूद के ऐसे चले जाते हैं। बस आसो पासो हर दिन दो मौत, तीन महीने में 120 मौत, छह महीने में 375 मौत, एक अकेले गांव में 80 मौत, एक पूरा का पूरा जिला मौत के शिकंजे में। पूरे हिंदुस्तान में मौत की ऐसी तस्वीर इससे पहले शायद ही किसी ने कहीं और देखी हो। ऐसा लगता है मानो पूरा का पूरा जिला मातमी कफन ओढ़े हो और हर कफन में एक लाश हो। आलम यह है कि अगली सुबह किस घर से मैयत उठेगी कोई नहीं जानता। हर कोई सहमा है, हर कोई डरा हुआ और हर कोई हैरान। आखिर अचानक इस जिले में मौत क्यों कुंडली मारकर यूं बैठ गई है? न जिले में कोई महामारी है, न बीमारी और न ही कोई कुदरती आफत, फिर भी लोग मर रहे हैं। इस सवाल को जिंदा छोड़कर कि क्यों मर रहे हैं, ना उन्हें कोई मार रहा है, ना उनके साथ कोई हादसा हो रहा है। सब अच्छे खासे दिखते हैं, सब तंदुरुस्त दिखते हैं, पर फिर भी उन्हीं में से किसी एक के अचानक मरने की खबर आ जाती है। मौत भी कैसी, अपने ही हाथों। जी हाँ, यहाँ कोई किसी को नहीं मार रहा, बल्कि लोग खुद अपने हाथों अपनी जान ले रहे हैं, यानी खुदकुशी कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर से 175 किलोमीटर दूर यह है खरगोन जिला, जिसे नवग्रह की नगरी के तौर पर भी जाना जाता है। पिछले छह महीने से इस जिले में हर रोज कम से कम दो लोग खुदकुशी कर रहे हैं। जी नहीं, वो न तो किसान है और न ही सूखे की मार से परेशान, बल्कि ये सब आम लोग हैं। खरगोन में रोज होती है कम से कम दो खुदकुशी, छह महीने में 375 से भी ज्यादा मौतें। मौत में सबसे ऊपर जिले का एक गांव, गांव में हर तीसरा घर खुदकुशी का गवाह। आखिर क्या है खरगोन की मौत का राज? आखिर क्यों नहीं जीना चाहते खरगोन के लोग? हर कोई हैरान है, सरकार से लेकर एक्सपर्ट और डॉक्टरों की टीम तक उलझन में है। उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि आखिर देश के इस खास इलाके में अचानक लोग खुदकुशी क्यों कर रहे हैं और क्यों उनके जीने की ख्वाहिश लगातार कम होती जा रही है। खरगोन जिले का ही ये गांव है, नाम है बाड़ी खुर्द। क्या आप यकीन करेंगे कि अकेले इस गांव में हर तीसरा घर ऐसा है जहां किसी न किसी ने खुदकुशी जरूर की है। इस गांव में अब तक 80 लोगों की मौत सिर्फ खुदकुशी की वजह से हुई है। इनमें कई परिवार तो ऐसे हैं जिनमें दो या दो से ज्यादा लोगों ने अचानक ही रहस्यमय तरीके से मौत को गले लगा लिया। आलम ये कि दो महीने पहले इस गांव के सरपंच जीवन सिसोदिया ने भी अपनी जान दे दी। जीवन की लाश खुद उनके घर के सामने एक पेड़ से लटकी मिली। पर क्यों, क्यों लोग यहाँ जान दे रहे हैं? आखिर क्यों लोग जिंदगी से ज्यादा मौत को तरजीह देने लगे हैं? क्यों जिले में हर उम्र के लोग खुदकुशी कर रहे हैं और क्यों यहां खुदकुशी कर जान देने वालों की तादाद लगातार बढ़ रही है? तो इसके लिए आपको हमारे साथ खरगोन जिला चलना होगा ताकि मौत का सच सामने लाया जा सके। खुदकुशी के इस सिलसिले को लेकर अब इस इलाके में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। बहुत से लोग जहां इसके पीछे जादू टोना और भूत पिशाच जैसी चीजों को वजह मानने लगे हैं, वहीं जानकारों का कहना है कि इन खुदकुशियों के पीछे भी डिप्रेशन ही इकलौती वजह है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर एक खास इलाके में ही इतना डिप्रेशन यानी इतना अवसाद क्यों है? इस सवाल का जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है। ये है सुमित्रा बाई, उम्र 50 साल। सुमित्रा भी खरगोन जिले के उसी बाड़ी गांव की रहने वाली है
जो हाल के दिनों में खुदकुशी के लिए सबसे ज्यादा चर्चे में है। कभी सुमित्रा का भी भरा पूरा परिवार हुआ करता था, पति, बच्चे, खेत खलिहान और वो सब कुछ जो किसी की जिंदगी का हिस्सा होते हैं। लेकिन इस इलाके को लगी खुदकुशी की इसी बीमारी ने सुमित्रा का घर उजाड़ दिया। पहले पति शंकर मंडलोई ने कीड़े मारने की दवा पीकर खुदकुशी कर ली और फिर साल भर गुजरते गुजरते जवान बेटे लखन ने भी गले में फंदा लगाकर जान दे दी। लेकिन दोनों का यूं अचानक मौत को गले लगा लेना सुमित्रा के लिए कल भी एक पहेली थी और आज भी है। वैसे आपको जानकर हैरानी होगी कि जिंदगी के ऐसे दोराहे पर खड़ी सुमित्रा यहाँ अकेली नहीं है, बल्कि इसी गांव में दसियों ऐसी दूसरी बेवा औरतें मौजूद हैं, जिनके पतियों और बच्चों ने अलग अलग वजहों से जान दी है। झगड़ो मगड़ो का कुछ नहीं हुए हमारा घर में, पर खेत में जाकर न पी ली थी उन्होंने। इसने आपके पति ने? हाँ। कैसे कर लिया? दवाई का कहाँ से लाया भाई, तो अपन को मालूम नहीं, अपन तो घर रहो आज। ये अकाल मृत्यु हो रहे है सब। तो इस तरह कब से चल रहा है क्रम? ये कम से कम बहुत समय से चल रहा है। अच्छा, तो ऐसे कितने घर हो गए होंगे ऐसे? जो है कम से कम 30-40 घर का अंदाज है। किस तरह से आत्महत्या कर रहे हैं, मतलब क्या? कोई फांसी लगा रहा है तो कोई दवाई पी रहा है, तो इस प्रकार हो रहे। वैसे बाड़ी खुर्द गांव बेशक अकाल मौतों की वजह से चर्चे में आ गया हो, लेकिन इस गांव में ऐसी मौतों का सिलसिला पिछले कई सालों से चल रहा है। आंकड़ों के मुताबिक अब तक इस गांव में 80 से ज्यादा लोगों ने खुद ही अपनी जिंदगी खत्म की है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि खुदकुशियों के इस सिलसिले के पीछे कोई भी साफ साफ वजह समझ में नहीं आती। जानकार जहां इसके पीछे डिप्रेशन यानी अवसाद को वजह बताते हैं, वहीं बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो इसके पीछे जादू टोना या पंचक यानी एक साथ 5 मौतों के प्रकोप की कहानी सुनाते हैं। लेकिन तमाम कयासबाजियों के बावजूद बाड़ी तो क्या, पूरे खरगोन में खुदकुशियों का सिलसिला रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। अब आइए बाड़ी खुर्द से निकलकर पास के ही एक दूसरे गांव सुंदरेल चलते हैं। ये तस्वीरें तकरीबन 15 दिन पुरानी हैं, जब यहाँ रहने वाली 30 साल की एक महिला ने अपने 3 मासूम और फूल से बच्चों के साथ गांव के इसी कुएं में कूदकर जान दे दी। गांव वालों की माने तो ये पति पत्नी के बीच होने वाले मामूली झगड़े का नतीजा था, लेकिन मामूली झगड़े में उस महिला ने ऐसी खौफनाक मौत चुनी जैसा कोई सोच भी नहीं सकता था। खुदकुशियों की वजह से बाड़ी खुर्द तो चर्चे में था ही, सुंदरेल के इस वाकये ने भी लोगों को जैसे झकझोर कर रख दिया। हालांकि अब खुदकुशियों की वजह से सुर्खियों में आ चुके बाड़ी खुर्द के लोग अपने आने वाले वक्त को लेकर परेशान हैं। उन्हें लगता है कि खुदकुशी के नाम पर उठा शोर गांव की आने वाली पीढ़ी पर भारी पड़ सकता है, क्योंकि बहुत मुमकिन है कि ऐसी खबरों की वजह से अब लोग अपनी बेटियों की शादी उनके गाँव में करने से घबराएं और उनके गाँव की बेटी को ब्याह कर भी न ले जाएं। इसे घर में छोरी देना पसंद नहीं करेंगे, हम क्यों दें इसे घर छोरी? हम किसी भिखारी के पल्ले बांध देंगे, कम से कम हमारा जमाई रहेगा तो सही, हमारी बेटी विधवा रहेगी तो क्या मतलब इसे गांव में देने से? हमारे गांव की एक प्रकार से बदनामी हो रही कि लोग जैसे सदमे टाइप हो गए कि यार, सब रिश्तेदार भी फोन लगाते कि यार तुम्हारे गाँव में इतना ऐसा क्या हो गया, रोज टीवी पे आ रहा है और कोई जैसे ऐसी बातें सुन सुन के आने वाले हमारे जो पीढ़ी छोटी पीढ़ी है उनका संबंध कैसे होएगा सर, गांव बदनाम हो रहा है। ऐसे में अब खुदकुशियों को रोकने के साथ साथ लोगों में जीने की ललक पैदा करने की जिला प्रशासन के सामने दोहरी चुनौती है। किसी भी दूसरे इलाके की तरह यहां खुदकुशी की तमाम वजहें हैं, जिनमें पारिवारिक कलह, रिश्तों की पेंच, मोहब्बत में नाकामी और शराब जैसी बहुत सी वजहें शामिल हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि दूसरे ग्रामीण इलाकों की तरह यहाँ सूखा, भुखमरी और फसल की बर्बादी जैसी चीजें खुदकुशी की वजहों में शामिल नहीं है। खरगोन में जारी खुदकुशी के सिलसिले से हर कोई हैरान है। वजह तो साफ है नहीं, लेकिन आंकड़ों के आईने में तस्वीर लगातार भयानक होती जा रही है। सिर्फ खरगोन जिले में ही पिछले 6 महीने में 375 से ज्यादा लोगों ने खुदकुशी की है। साल की पहली तिमाही में 80 लोगों ने जान दी है, जबकि सिर्फ 4 महीने में खुदकुशी करने वालों की तादाद 110 है।
खुदकुशी के मामले में जिले का गांव बाड़ी सबसे ज्यादा चर्चे में है। सिर्फ इसी गांव में अब तक 80 खुदकुशी हुई है। अब हालत ये है कि जिला प्रशासन के साथ साथ सामाजिक संगठनों ने भी आगे आकर लोगों को समझाने बुझाने के सिलसिले की शुरुआत की है। गांव में जागरूकता के कार्यक्रम चलाकर लोगों को ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि जिंदगी बहुत कीमती है और इसे यूं ही किसी बात पर गंवाना कोई समझदारी नहीं। लेकिन फिलहाल इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं कि आखिर इस मास डिप्रेशन से खरगोन को कब तक और कैसे छुटकारा मिल पाएगा। मध्य प्रदेश के इस इलाके में मौत जिंदगी पर भारी पड़ने लगी है। खुदकुशी एक बीमारी की शक्ल अख्तियार कर चुकी है। जिंदगी में जरा सी बात बिगड़ती नहीं है कि लोग झट से खुदकुशी कर लेते हैं। अकेले खरगोन जिले में एक साल में 375 से ज्यादा खुदकुशी के मामले इस बात का सबूत हैं। जिला प्रशासन और सामाजिक संगठनों की ओर से आयोजित ये जन संवाद के कार्यक्रम इस बात का सबूत है कि यहाँ लोगों में तकलीफ और अवसाद की हालत कैसी है। वैसे तो यहाँ भी लोगों के खुदकुशी की तकरीबन वही वजहें हैं जो दूसरे इलाकों में होती हैं, मसलन पारिवारिक तनाव, प्यार मोहब्बत में नाकामी, शराबखोरी वगैरह। लेकिन सवाल यह है कि ये वजहें इसी खरगोन में इतनी ज्यादा बड़ी क्यों हो जाती है कि लोग जान दे देते हैं। खरगोन को लोग नवग्रह की नगरी के नाम से जानते हैं। दूर दूर से यहाँ लोग अपने ग्रह शांति की पूजा पाठ के लिए आते हैं, लेकिन लगता है कि इन दिनों खुद खरगोन की ग्रह दशा ही खराब चल रही है। तभी तो इस इलाके को एक ऐसी दिमागी बीमारी ने धर दबोचा है जिसमें फंसकर यहां बहुत से लोग अब जीना ही नहीं चाहते। वैसे तो इन खुदकुशियों को लेकर लोगों की कयासबाजी और अंधविश्वास में भी कोई कमी नहीं है। कुछ लोग जहां इसके पीछे जादू टोने की बात करते हैं, वहीं कुछ का मानना है कि यहां पंचक प्रकोप चल रहा है, यानी एक मौत होने पर एक साथ चार और मौतें भी होती हैं। जबकि जानकारों का मानना है कि बदलती जीवन शैली के बीच ये अवसाद यानी डिप्रेशन का नतीजा है। ग्रामीण इलाका होने की वजह से कीटनाशक दवाएं भी आसानी से मिल जाती हैं और ये लोगों की खुदकुशी का आसान हथियार साबित हो रही हैं।